हेलो एवरीवन, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ईट्स जीके गुरु जी ते। अज असी करांगे कुछ होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े कि तुहाडे एग्जाम विच आ सकदे ने। इन्हां क्वेश्चनां नूं तुसीं एक टेस्ट दी तरह लेना है। हर क्वेश्चन दे लई तुहानूं 5 सैकेंड का टाइम दिता जाएगा, जिस विच तुसीं जिहड़े है सही ऑप्शन की चोण करनी है। स्टार्ट करते हाँ फस्ट क्वेश्चन तो। भारतीय राष्ट्रपति नूं हटाया जा सकता है, तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए हैगा है महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी हैगा है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी हैगा है न्यायपालिका द्वारा, अते ऑप्शन डी हैगा है मंत्री परिषद द्वारा। जिन्हां बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है महाभियोग द्वारा, उन्हां दा आंसर सही है। महादोष जा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत ते हाई कोर्ट दे जजां नूं संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इस दे लई संसद विच जिहड़े 2/3 बहुमत की लोड़ हुंदी है। नैक्सट है संपत्ति का अधिकार लागू है, चार ऑप्शन ने मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार जां नन ऑफ दीज। जिन्हां बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी की चोण की है कानूनी अधिकार, उन्हां दा आंसर सही है। 44वीं जिहड़ी सोध सीगी उस राही संपत्ति के अधिकार नूं खत्म कर कानूनी अधिकार के रूप में मानता दी गई। संपत्ति के अधिकार नूं अनुच्छेद 300K विच रख्या गया है। इस सोध राही लोक सभा का कार्यकाल भी 6 साल तो घटा के 5 साल किया गया सीगा। नैक्सट हैगा 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता अंदोलन किसने कहा, चार ऑप्शन ने V.D. सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, R.C. मजूमदार या उपरोक्त सारे। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है V.D. सावरकर, उन्होंने आंसर सही है। अते पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक जिहड़ी सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विच 1857 दे विद्रोह नू समंता दा विद्रोह दस्या सीगा। नैक्सट है जजिया कर किस तों लिया जांदा सी, चार ऑप्शन ने हिंदुआ जां गैर मुसलमाना तों, ऑप्शन बी हैगा है जागीरदारा तों, मुसलमाना तों जां उपरोक्त सारे। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है हिंदुओं या गैर मुसलमानों तो, उन्हां दा आंसर सही है। जजिया कर एक धार्मिक कर हुंदा सीगा जिहड़ा कि हिंदुओं या गैर मुसलमानों तो लिया जांदा सीगा। नैक्सट है मुगल शासक अकबर ने मुगल साम्राज्य नूं किन्ने प्रांतां या सूबियां विच वंडिया होया सी, ऑप्शन ने 18 सूबियां विच, 22 सूबियां विच, 7 सूबियां विच जां 15 सूबियां विच। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुनिया है उन्हां दा आंसर सही है। अकबर ने अपने जिहड़े प्रांतां नूं ओह 15 भागां विच वंडिया होया सी, जिहड़ा औरंगजेब सी उन्हां ने अपने जिहड़े सूबे सी उन्हां नूं 21 भागां विच वंडिया होया सीगा। नैक्सट है खुजराहो दे मंदिरां दा संबंध है, चार ऑप्शन ने शैव मत, वैष्णव मत, जैन धर्म जां उपरोक्त सारे। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी की चोण की है उपरोक्त सारे, उन्हां दा आंसर सही है। खुजराहो दे मंदिर कित्थे ने, मध्य प्रदेश विच, अते केड़े वंश द्वारा बनाए गए ने, ये चंदेल वंश द्वारा बनाए गए ने। नैक्सट है अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख किहड़े काल विच मिलता है, चार ऑप्शन ने उत्तर वैदिक काल, सिंध घाटी सभ्यता, वैदिक काल जां इन्हां विचों कोई नहीं। जिन्हां बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है उत्तर वैदिक काल, उन्हां दा आंसर सही है। अश्वमेघ यज्ञ की हुंदा सीगा, राजा अपनी सर्वउच्चता विखाउण लई इस दा आयोजन कराउंदा सीगा।
इस दौरान एक खास घोड़ा तैयार किया जाता सी ते इस नूं अपने समराज तो बाहर छड्ड दिता जाता सीगा। जिथों जिथों की यह घोड़ा लंघदा सीगा वह जिहड़ा इलाका सीगा वह राजे का हो जाता सीगा। पर जदों कदे इस घोड़े नूं फड़ लिया जाता सीगा, जिहड़ा राजा इस घोड़े नूं फड़ लैंदा सीगा कि मैं तुहाडी अधीनता स्वीकार नहीं करदा, उहनूं फिर राजे नाल युद्ध करना पैंदा सीगा। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੱਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੂਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਐਡੀਸਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੋਬਰਟ ਪੀਅਰੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰੋਆਲਡ ਐਮੰਡਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਬਰਟ ਪੀਅਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਰੋਆਲਡ ਐਮੰਡਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੋਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ ਕਮਲ, ਬੀ ਗੁਲਾਬ, ਸੀ ਲਿਲੀ, ਡੀ ਗੇਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨਗਣਮਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜੈਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਅੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਚੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲਾਰਡ ਮੇਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੋਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਹਨ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪਾਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी की चोण की है उपरोक्त सारे उन्हां दा आंसर सही है। अते जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है ये अग बुझाउण दे कम आउंदी है अते सब तो भारी गैस हुंदी है, इस नूं ही सुक्की बर्फ कहा जाता है। नैक्सट हैगा है मनुखी शरीर विच कुल हड्डियां हुंदियां हन, ऑप्शन ने 206, 215, 226 जां 115। जिन्हां बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है 206 उन्हां दा आंसर करैक्ट है। अते जिहड़ा नवजन्मिया बच्चा हुंदा है उस विच कुल किन्नियां हड्डियां हुंदियां ने 300, उस तों बाद जदों मनुख अडल्ट हो जाता है तो उस विच जिहड़ियां 206 हड्डियां रह जांदियां ने। अते जे आपां हड्डियां की गल करिए जिहड़ी सब तो वड्डी हड्डी है वह कि है फ्यूमर, सब तो छोटी हड्डी कि है स्टेपस जिहड़ी कि कन्न विच हुंदी है, सब तो मजबूत जिहड़ी है वह जबड़े की हड्डी हुंदी है, साढ़े हत्थां पैरां दे विच बराबर बराबर 28-28 हड्डियां हुंदियां हन। जिहड़ा सफेद फास्फोरस हुंदा है ना उस करके जिहड़ी है हड्डी रात नूं चमकदी है, जिहड़ा अपना हड्डियां विच जिहड़ा 85% जिहड़ा हुंदा है वह फास्फोरस हुंदा है। नैक्सट हैगा है पंजाब विच भगती अंदोलन का संस्थापक कौन सीगा, चार ऑप्शन ने रामानुज, भगत सिंह, गुरु नानक देव जी या रामानंद। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी की चोण की है गुरु नानक देव जी उन्हां दा आंसर करैक्ट है। नैक्सट है हड़प्पा सभ्यता के कौन केंद्र तो कंसे धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, चार ऑप्शन ने ऑप्शन ए गए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी की चोण की है मोहनजोदड़ो उन्हां दा आंसर करैक्ट है। इत्थों एक कंसे दिया नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक विशाल इशनान घर मिलिया है अते एक वड्डा जिहड़ा अनाज घर भी मोहनजोदड़ो तो प्राप्त होया है। नैक्सट है सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया भारत के किहड़े भाग नूं कहा जाता है, ऑप्शन ए गए पूर्वी राजां नूं, ऑप्शन बी मालवा पठार नूं, ऑप्शन सी दक्षिणी राजा नूं जां ऑप्शन डी राजस्थान। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए की चोण की है पूर्वी राजा नूं उन्हां दा आंसर करैक्ट है, क्योंकि जिहड़े इह सत जिहड़े स्टेट ने गे इह समाजिक आर्थिक धार्मिक ते खेतरी समानतावां करके ही सैवन सिस्टर कहलाउंदे ने। इह किहड़े किहड़े सत स्टेट ने गे, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ते मेघालय। नैक्सट है एशियाई शेर कित्थे मिलते हैं, ऑप्शन ए गए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय पार्क या ऑप्शन डी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी की चोण की है गिर राष्ट्रीय पार्क उन्हां दा आंसर करैक्ट है। एशियाई शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क विच पाए जाते हैं। अंत विच जिहड़ा अपना स्कोर है तुसीं कमेंट बॉक्स विच जरूर दसना है। मिलते हाँ नैक्सट वीडियो विच।